शहडोल से बड़ी खबर, ब्योरी के बाणसागर देवलोन की नगर परिषद खांड के वार्ड नंबर 6 चंदोली एवं नगर सीमा से लगी ग्राम चचाई के बगहिया बांध में बसाई जा रही है अवैध कॉलोनी। कृषि योग्य भूमि को वर्ग फुट में बिक्री करके की गई करोड़ों रुपए की लूट। शासन प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर शासन को मिलने वाले करोड़ों के राजस्व का भू माफियाओं द्वारा लगाया गया चूना। लोगों को गुमराह करके कागजों में सुसज्जित कॉलोनी का सपना दिखा के लगाया गया चूना। भू माफियाओं को मिला लॉकडाउन का फायदा, लॉकडाउन में फर्जीवाड़े की लॉक हो गई फाइलें। शेड्यूल कमिश्नर व कलेक्टर महोदया से एक बार फिर दबी फाइलों पर कार्रवाई करने की उठी मांग। रेरा का ना ही पंजीयन और ना ही नियम अनुसार नक्शा पास, फिर भी की प्लाटिंग। शासन के नियमों का उल्लंघन करते हुए बगैर लाइसेंस व डायवर्जन के बनाई जा रही है अवैध कॉलोनी। खेती की जमीन को सीधे आवासीय प्लाट बनाकर कर रहे हैं कारोबार। बिना लाइसेंस और रेरा टीएनसीपी से रजिस्ट्रेशन करा ही कर रहे हैं अवैध प्लॉटिंग। जबकि ये हैं प्लॉटिंग के नियम। अपनी निजी भूमि पर कॉलोनी बनाने से पहले संबंधित व्यक्ति को जिला कलेक्टर के यहां कॉलोनाइजर का लाइसेंस लेना होगा। कॉलोनाइजर को संबंधित भूमि पर प्लॉटिंग करने से पहले नगर परिषद से डायवर्जन के लिए एनओसी लेना होगी। कॉलोनी बसाने से पहले उसमें क्या सुविधाएं होंगी, इसके लिए रेरा में पंजीयन कराना होगा। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग से प्लॉटिंग के लिए अनुमति लेनी होगी तथा नई कॉलोनी के निर्माण में 25% प्लॉट कॉलोनी में सड़क बिजली पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए रखे जाते हैं बंधक। दलालों ने साठ गांठ करके प्रशासन की आंखों में धूल झोंक कर कराया फर्जी कार्य। शेड्यूल कमिश्नर व कलेक्टर महोदय से एक बार फिर दबी फाइलों पर कार्रवाई करने की उठी मांग। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।